करने के लिए सबसे पहले हमें 2.5 इंच के कटोरी और 5 इंच का केक टिंग जो आता है छोटा वाला वो ले लेंगे, और जो हमारा जेरोक्स पेपर आता है उसको इसी शेप में रख के कट कर देंगे और टिन में डालकर ऑयल से ग्रीस कर लेंगे कटोरी को भी और ये 5 इंच के टिन को भी। अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेने के बाद हमें 120 ग्राम प्रीमिक्स ले लेना है वेनिला फ्लेवर का, और इसमें हमें फूड कलर डालना है रेड, और जो स्ट्रॉबेरी एसेंस होता है वो पानी डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, हमें एक साथ नहीं डालना है, इसे बीट करते हुए जाना है। अभी हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं और इसे फिर से हमें बीट करना है लगभग 5 से 6 मिनट तक के हमें पूरा बीट करना है। निकाल लेना है जो हमारे टीन से, उसमें कटोरी में आधा कटोरी भरना है और बाकी बचा हुआ जो हमारा टीन है ना 5 इंच का इसमें डालकर हमें इस तरीके से समान कर लेना है, और फिर हमें इसे टैप टैप करना है दोनों टीन्स को, और 5 मिनट के लिए जो गंजी प्रीहीटेड करने के लिए रखी थी मैंने उसमें जैसे जाली डालकर दोनों को एक साथ पका लेंगे हम कम आँच पर 25 से 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट बाद देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से पक चुका है, इसे पकने में 30 मिनट लगा था। जब ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने का टाइमिंग है 1 घंटा, ठंडा हो जाए उसके बाद में हमें इसे 3 लेयर में कट कर लेंगे, इसमें कट कर लेंगे इक्वली। देख सकते हैं हमारे दोनों स्पॉन्ज काफ़ी अच्छे, ये छोटा है पर बहुत अच्छा है। ऊपर वाली लेयर का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना जो थोड़ा सा चिपचिपा होता है उसे हटा लेंगे हम, बड़ा वाला जो हमारा केक स्पॉन्ज है उसकी एक लेयर रख दी है। अभी शुगर सिरप से सोक करने के बाद में हमने क्रीम लगाई है इसके ऊपर, इस तरीके से दोनों लेयर की आइसिंग करके मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए दोनों लेयर की आइसिंग हो गई है, अभी जो थर्ड लेयर है ना वो रख दी है, जो सबसे लास्ट की होती है ना वो मैं सबसे ऊपर रखती हूँ। अभी इसके ऊपर भी शुगर सिरप से सोक कर लिया है हमने, और क्रीम लगाकर इसके हमें क्रम कोटिंग कर देनी है। देख सकते हैं आप लोग मैं क्रम कोटिंग जिस तरीके से कर रही हूँ। अभी इसको हमें फ्रिज में रखना है 1/2 घंटे के लिए। हमें छोटे केक के भी आइसिंग करने वाले हैं, सेम यही प्रोसीजर है पर ये छोटा साइज में है। जो हमारा जो केक है इसका वेट पूरा 1 पाव हुआ है, पर मैं हमारे घर का ही है ये केक तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी गया तो चलता है, बट इसका मेजरमेंट 1 पाव ही आता है। जो हमारा बड़ा केक है उसको हम ले लेंगे। मैंने कुछ पार्ट में व्हिपिंग क्रीम में पिंक कलर ऐड किया था, उसे पाइपिंग बैग में भर के इस तरीके से इसके ऊपर मैं कोट लगा रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब इसकी हमें प्रॉपर आइसिंग कर लेनी है जैसे हम केक की करते हैं नॉर्मल। और हाँ, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी जो ब्रश आता है ना उससे मैं ये जो वेव वाली डिज़ाइन है ना ये कर लेती हूँ। ये 2 टायर केक में बहुत ही सुंदर दिखती है, देख सकते हैं आप लोग। अभी हमारे केक को बेस के ऊपर रख देते हैं हम, केक बोर्ड को हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अभी हमारा छोटा वाला केक जो फ्रिज में था उसे भी हमने निकाल लिया, इसकी भी हमें व्हाइट क्रीम से प्रॉपर आइसिंग कर लेनी है, और सेम जो डिज़ाइन मैंने उस केक के ऊपर बनाया था वेव वाला ब्रश की हेल्प से वैसे ही इसके ऊपर बनाने वाली हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है 2 टायर केक में, इसीलिए मैं ये डिज़ाइन बनाने का सोची थी। और जो हमारा छोटा केक है ना उसको केयरफुली हमारे बड़े केक के सेंटर में रख देना है। देखिए तो जोड़ा साइड से जो निकल जाता है ना उसको मैंने लगा दिया है। अभी हमने स्टार नोजल लिया है, जो बची हुई सारी क्रीम थी ना उसको इसके अंदर में डाल दिया, और इससे बॉर्डर बना रहे हैं। देख सकते हैं ये बॉर्डर बहुत ही अच्छी दिख केक के ऊपर में। अभी जो न्यूट्रल जेल होता है ना उसमें मैंने थोड़ा सा पानी और बेबी पिंक कलर ऐड किया था, और स्प्रेड कर रही हूँ, इसके ड्रॉप्स दे रही हूँ, ड्रॉपिंग कर रही हूँ मैं इसके ऊपर, और इसके कारण है ना केक में जो लुक आया है ना वो बहुत ही अच्छा आया है। क्योंकि जो ड्रिपिंग के बिना जो केक में है ना थोड़ा कम कम सा लग रहा था, तो मैंने ड्रिपिंग किया, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सिरवल बॉल जो आते हैं ना 1 नंबर के वो भी मैंने डाल दिया है सारे केक के ऊपर। जो चॉकलेट आते हैं ना गार्निशिंग जो मैं बनाई हूँ उसका भी वीडियो है मेरे चैनल पर, वो लगा ली, एक चेरी लगा ली, नाम लिख ली। देख सकते केक कितना मस्त दिख रहा है, कोई बोल ही नहीं सकते कि होममेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।